हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज जिमल की गुड मॉर्निंग होती है और ऐसे जो उसकी रूटीन है वो बच्चों को लेने जाती है, लेकिन जिमल का यहाँ पे होता है कि मैंने रेडी होना है लेकिन मैंने नाना नहीं है। फिर इसके रोने की आवाज़ सुन के गुनैम आ जाता है। गुनैम की क्योंकि आज तबीयत ख़राब थी तो गुनैम आता कहता है चाची मैं इसको चुप करा देता हूँ, और गुनैम इसको यहाँ से ले जाता है और दोनों एक दूसरे के सुलह हो जाते, मतलब एक दूसरे को मना लेते हैं और दोनों एक साथ नहाते हैं। और ना फिर कहती है जिमल आ जाती है मेरे पास कि मम्मा मुझे रेडी कर दी। हाँ, मैं इसको रेडी कर देती हूँ और शुक्र है गुनैम ने इसको मना लेते हैं या नहा ली। उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि अभी नहीं जाने की, कहती मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने में। कहती अभी देर है तो मैं ना अभी आती हूँ आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर यहाँ पे लेज़ खाना स्टार्ट हो जाती है तो मैं इसे लेज़ लेती हूँ और इसको खाना देती हूँ। दाल चावल चूँकि बने होते हैं, इसके फेवरेट दाल चावल है साथ अचार। उसके बाद ना इजमल इसकी तारीफ़ करती है कि दाल चावल बहुत अच्छे बने, और अभी इजमल दाल चावल अभी खा रही होती है, कहते मैं तारीफ बाबा की आवाज़ आती है कि आज इजमल मैं जा रहा हूँ गाड़ी में बच्चों को लेने, और इजमल भाग जाती है अपनी प्लेट छोड़े। फिर हाँ आके खाएगी बाद में, लेकिन यहाँ पर अपनी दाल चावल छोड़ जाती है। लेकिन इसको पसंद बहुत आते हैं, अचार तो हमारा घर का होता है इसलिए इसका गला ख़राब नहीं होता, ये हमेशा दाल चावल के साथ अचार खाती है माशाल्लाह। उसके बाद जिमल आ जाती है बच्चों को लेकर और ये सैंडल अपने हैंड में लेकर आती है। माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी अच्छी है, ऐसे नहीं होता जैसे बच्चे चीज़ें अपनी फेंक देते हैं, सैंडल ला के अपनी प्रॉपर अपनी जगह पर रखती है और ऊपर से अपने स्लीपर उठाती है, स्लीपर पहन के ना फिर ये बच्चों के पास जाती है, कहती है कि ना मम्मा मैं अब जाऊँ बच्चों के पास, और फिर अपनी चीज़ लेकर बच्चों के पास चली जाती है। अल्लाह हाफिज़।